क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट। अच्छा, टू डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो उसकी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लिया करो सबसे पहला काम। तो अगर मैंने टेंस डिजिट को वाई माना और यूनिट डिजिट को मान लो एक्स मान लिया, या उल्टा भी कर सकते हो, टेंस डिजिट को एक्स मान लिया और यूनिट डिजिट को वाई मान लिया, तो इस केस में जो नंबर होगा कितना होता है पता है? टेंस डिजिट में टेन का मल्टीप्लाई होता है और यूनिट डिजिट ऐड हो जाती है, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं टू डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट को वाई लूं और टेंस डिजिट को एक्स लूं, तो सिंपल होता है टेन का मल्टीप्लाई होगा टेंस डिजिट में, यानी टेन एक्स प्लस वाई। इसमें क्या करना था? डिफरेंस करना था। किसका डिफरेंस? टू डिजिट नंबर का, यानी कि टेन एक्स प्लस वाई का, और किसका लेना है? नंबर ऑप्टेन बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करना है, यानी एक्स को यहां कर दीजिए और वाई को यहां कर दीजिए उल्टा, यानी कि टेन वाई प्लस एक्स, ये बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है? टेन वाई प्लस एक्स। क्लियर है सबको बात? इसमें ये डिफरेंस निकालने की बोल रहा है कि भैया जो नंबर है और उसका नंबर को जो डिजिट इंटरचेंज करते हो उनका डिफरेंस, तो कितना आएगा ये? तो टेन एक्स में अगर एक्स गया तो नाइन एक्स आ जाएगा, ये माइनस का नाइन वाई आ जाएगा, और नाइन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आता है कि जो हमारा डिफरेंस आया वो नाइन का मल्टीपल है, तो नाइन का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बोला था ना, विच कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता, तो 48 नाइन का मल्टीपल नहीं है, तो डिवाइड भी नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा।